वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो आज हम इसका जीआईटी का सेकंड टॉपिक एंटासिड के बारे में देखते हैं। तो एंटासिड क्या होते हैं इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। एंटासिड इज ए प्रिपरेशन दैट न्यूट्रलाइज एसिडिटी फॉर स्टमक। ठीक, एंटासिड वो प्रिपरेशन है, वो ड्रग है जो कि हमें हमारी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देती है, यानी हाइपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सिक्रेशन हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, आर कॉल्ड एंटासिड। इसी को हम एंटासिड कहते हैं। तो इसमें देखेंगे एंटासिड आर केमिकल सबस्टेंस विच रिएक्ट विथ गैस्ट्रिक एसिड। ये ऐसा सबस्टेंस है जो कि गैस्ट्रिक एसिड से, यानी कि हमारे गैस्ट्रिक एसिड से ये रिएक्शन करता है। ठीक, क्या करता है, रिएक्शन करके उसकी एसिडिटी को ये न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक, कॉन्टेंट को, उसके कॉन्टेंट को, ये गैस्ट्रिक के एसिडिटी के कॉन्टेंट को ये न्यूट्रलाइज कर देता है। दिस ड्रग रिलीफ पेन, तो उससे हमें जो हमारे दर्द है, जो हमारे पेन है, ठीक, पेन से भी रिलीफ देता है। ठीक, पेन अकर हाइपर क्लोरोहार्डिया, जब ज़्यादा उसमें क्या था, एसिडिफाइंग एजेंट में इसमें एक क्लोरोहार्डिया था, इसमें हाइपर क्लोरोहार्डिया, यानी कि ज़्यादा एक्सेस अमाउंट से ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें नहीं हो रहा था, इसमें हो रहा है। ठीक, तो उसी को ये न्यूट्रलाइज कर देता है। सिंपल सी डिफिनेशन आपको लिखनी है। तो इसमें अगर HCl का सिक्रेशन जब बढ़ जाता है तो हाइपर अल्सर हार्ट बर्न, यानी हमारे हार्ट में बर्न, जलन होगी, और पेप्टिक अल्सर, यानी अल्सर हो सकता है हमारे स्टमक या आंतों में। जैसे आप देखेंगे तो ये हमारा स्टमक है, स्टमक में जब HCl का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, HCl क्या होता है, एसिडिक मीडियम होता है ना, तो हमारे आंतों पे ये डिफेक्ट डालेगा, स्टमक में डिफेक्ट डालेगा, तो वहाँ से उंड हो जाएंगे, उंड से हमें म्यूकस रिलीज होने लगता है। कभी कभी कंडीशन ऐसा होता है कि म्यूकस रिलीज होने लगता है। ठीक, तो अल्सर हो जाता है, यानी पेप्टिक अल्सर उसे बोलते हैं, अल्सर हो जाता है। हार्ट बर्न रिड्यूस एडिशनल ऑफ रिलीफ ऑफ अनकम्फर्टेबल फीलिंग, तो हमें अनकम्फर्टेबल फील होता है, यानी हम अच्छा फील नहीं करते हैं पेट से। ये बीमारी जो है, हमें लग रहा है कि मान के चलिए 60% लोगों को है। ठीक, एसिडिटी कॉज हो जाती है। ठीक, तो ये अनकम्फर्टेबल फीलिंग, ओवर ईटिंग, यानी कुछ लोग जो ज़्यादा खाना खाते हैं, ओवर ईटिंग, फ्राम ओवर ईटिंग एंड ग्रोइंग हैंगर फीलिंग बिटवीन मील, खाना खाने के बाद गुस्सा लगता है। ठीक, हैंगर फीलिंग होती है। एंटासिड आर बीक बेस इज ए राइस गैस्ट्रिक pH। जब एंटासिड राइस यानी ज़्यादा सिक्रीट होगा तो हमारे pH को, यानी pH में पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये जो आयन है जो हमारे, इसको भी डिसबैलेंस कर देता है। इसी कारण से आल्सो इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिन, और एंजाइम पेप्सिन की क्रिया इनएक्टिव हो जाती है, जिसके कारण हमें अल्सर, पेप्टिक अल्सर, एडिशन टू द एंटासिड ऑर्गेनिक एंटी अल्सर इन पोटेंशियल हिस्टामाइन रिलीज, पोटेंशियल्स जो है हमें सब जो हिस्टामाइन हो ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। ठीक, हिस्टामाइन रिलीज इनहिबिट डिपेंडिंग ऑन दी सर्वेल्टी ऑफ लोकेशन एंड अल्सर। अल्सर जब हो जाता है तो गैस्ट्रिक, डिओडेनम, जेजिनम, एसोफेगस, यानी जब हमारी ये यहाँ से एसोफेगस जो आती है, ये गले से जो एसोफेगस, तो ये जो है हमारे यहाँ डिओडेनम, जेजिनम और ये आतो, यहाँ तक डिफेक्ट डालता है। तो जैसे जो
उंड हो जाते हैं वहां से म्यूकस रिलीज होने लगता है। ये कंडीशन होता है ट्रीटमेंट ऑफ रेंज फ्रॉम द प्रॉपर डाइट एंटासिड ऑफ एंटी अल्सर एजेंट। एंटासिड जो है एंटी अल्सर एजेंट है ठीक, और ये एंटी क्लोरोजेनिक एजेंट भी है। पेशेंट में भी एडवाइज मील फ्रिक्वेंट अवॉइड एसिड स्टूमुलेंट इरिटेटिंग फूड। जब हम फूड लेते हैं खाना तो ये जो है एग्जाम्पल स्पेसी फूड अवॉइड करना चाहिए हमें। स्पेसी फूड यानी मसालेदार खाना ये सब अवॉइड करना चाहिए। अनकुकिंग रेंज जो जैसे हम होटल पे खा रहे हैं उसको अवॉइड करना चाहिए, खुद पका के अच्छे से खाना चाहिए ठीक। अनकुकिंग रेंज तो ये सब बातें निर्भर करती हैं। अब हम बात करते हैं एंटासिड होते कितने प्रकार के हैं। आपको सिर्फ इतना ही लिखना है एंटासिड इज प्रिपरेशन दैट न्यूट्रलाइज एसिडिटी फॉर स्टमक हार्ट बर्न, यही सब लिखना है ठीक, सिंपल सी डिफिनेशन। अब होते हैं सेंसमेटिक एंटासिड, इसमें एक ही ड्रग है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है रेपिडली एब्जॉर्बल, यानी सेंसमेटिक टाइप के जो होते हैं उसमें रेपिडली एब्जॉर्बल होते हैं, तुरंत एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और सालबुल इन प्रोड्यूस सेंसमेटिव इलेक्ट्रोलाइट अल्ट्रेशन एंड एल्कलोसिस ठीक। तो ये पहली ड्रग है सोडियम और नॉन एब्जॉर्बल एंटासिड। नॉन एब्जॉर्बल एंटासिड कौन से होते हैं जो कि रेपिडली ना एब्जॉर्ब हो, यानी नॉन एब्जॉर्बल और ये एब्जॉर्बल है। इसको आप इतना ही लिख सकते हैं एब्जॉर्बल और नॉन एब्जॉर्बल, बस क्लियर है ठीक। तो अब देखते हैं इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में जो कि एब्जॉर्बल में एक ही ड्रग है ठीक। तो क्या होती है तो इसका सबसे पहले केमिकल फार्मूला देखते हैं। तो केमिकल फार्मूला NaNaHCO3 ठीक। केमिकल फार्मूला ये है, मॉलिकुलर वेट की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा मॉलिकुलर वेट इसका है 84.01 ठीक 84.01। और सेनानिम की बात करें, अगर हम सेनानिम की बात करें तो मीठा सोडा बेकिंग सोडा आप सबके किचन में ये मौजूद होता है, आप सबने देखा होगा ठीक। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडा विस्कर और ब्रेकिंग और मीठा सोडा ठीक। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड की, तो ये क्या है इट कंटेन लेस देन 99% और मोर देन 101% ऑफ NaNaHCO3 ठीक। अब बात करते हैं प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन में इसमें लेबोरेटरी यानी लैब में कैसे तैयार किया जाता है उसके बारे में हम देखते हैं। 2NaNaOHCO2 Na2CO3+H2O Na2CO3+H2O plus CO2 2NaHCO3 इस तरह से हमें ये लेबोरेटरी में प्राप्त होती है। लेबोरेटरी में हम करते क्या हैं इट इज लेबोरेटरी में हम करते हैं प्रिपेयर्ड बाई पासिंग CO2 यानी इसमें हम पास करते हैं CO2 को पास करते हैं और सॉल्यूशन सोडियम बाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसंट्रेटेड ऑप्टेंट फॉर्म में, इसको हम कंसंट्रेटेड फॉर्म में ऑप्टेंट करते हैं ठीक। अब बात करते हैं हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की तो फिजिकल प्रॉपर्टी में देखते हैं वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल है वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है और 55% जो है इथेनॉल में ये सॉल्युबल है, इथेनॉल में 55% सॉल्युबल है। अब बात करते हैं हम स्टोरेज कंडीशन की, केमिकल प्रॉपर्टी की, तो केमिकल प्रॉपर्टी में हम देखते हैं 2NaHCO3 को NaCO3+CO2+H2O ठीक। इसमें हम करते क्या हैं तो इसमें हम इस तरह से इसको हम देखते हैं ये हीटिंग गेट कन्वर्टेड इनटू सोडियम बाइकार्बोनेट, इस तरह से इसको हम केमिकल प्रॉपर्टी यही एक लिखनी है। अब बात करते हैं
करते हैं स्टोरेज कंडीशन की, तो हाइड्रोस्कोपिक यानी इसका नेचर हाइड्रोस्कोपिक है, ये नमी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक, ये नमी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक। कंपाउंड इन्वॉल्व CO2 इन मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, विथ मॉइस्चर हेंस एयर टाइट कंटेनर में लिखना है, और अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो बेल क्लोज कंटेनर आप लिख देंगे तभी पास आउट हो जाएंगे, ठीक। यूज ऑफ एंटासिड, एंटासिड में इसका यूज है, और डोज इसकी है 300 mg 2 ग्राम 4 टाइम ए डे, ठीक।